भगवान सगुण कैसे है निर्गुण अगर है तो इसमें शास्त्रों में अभ्यास करने के बाद पता चला कि हमारे तीन गुण हैं, सात्विक राजसिक तामसिक में सारी दुनिया जो फंसी है, सतोगुणी रजोगुणी तमस, भोजन हो, दृश्य हो, आहार, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, सब गीता में आता है, ऐसा कुछ नहीं है गीता में नहीं आया, सत्तरवें अध्याय में भी आता है, श्रद्धात्रय विभाग योग में। तो फिर भगवान सगुण कैसे हो गए, भगवान में गुण कहाँ से आ गए, भगवान में छह गुण है कहाँ, हमारे में तो तीन गुण है, तो ये तो और कॉम्प्लिकेटेड, भगवान तो और फंसा हुआ हो गया, तीन गुणों में हम इतने फंस गए हैं माया में, तो भगवान को तो उल्टा हमारे से आधा हो गया, तो भगवान में छह गुण नहीं, लेकिन उसके गुण अलग है ना, दैवी ऐशा गुणमयी माया है ना, उसमें अलग गुण है, ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यश श्री और समुदायतम, उसके छह गुण अलग है। हमारे सत्व राजस तमस जो हैं वो क्या है, परिपूर्ण है गुणों से, ओतप्रोत है भगवान, फ्लडेड है, ओवरफ्लोइंग है, तीन नहीं छह गुणों से, लेकिन वो अलग गुण है, विलक्षण गुण है। क्या ज्ञान, पहला गुण संपूर्ण ज्ञानी है, त्रिलोक जो पहले का अभी का बाद का है ना, वैराग्य, लेकिन सब होते हुए सब जानते, धग धगित वैराग्य जाला मराठी में, तो फुल्ली रेनाउंस्ड, कुछ लेना देना नहीं। गीता में खुद कहते हैं यार ऐसा नहीं है, तीनों लोक में मेरे लायक कुछ है ही नहीं, और मैं कुछ प्राप्त करना, ये गीता का श्लोक है, मैं कुछ प्राप्त करना चाहूँ और मुझे न मिला ऐसा हो सकता नहीं, और मेरे लायक कुछ है ऐसा भी नहीं है, लेकिन देख मैं भी ऐसा वैराग्य उनमें कंप्लीट, बिल्कुल निर्गुण निर्मोही टोटल वैरागी, द बेस्ट रेनाउंसिएंट, कि निर्लेप भावना से ना, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा, और पद्म पत्र मिवाम सा गीता में आता है, कमल के पत्ते के जैसे, कितने पानी में है, कीचड़ में है कमल को देखे तो, वो कोराड़ी के पास चलते तो कम पंकज जो नाम है उसका, पंक मतलब कीचड़ संस्कृत में, उससे जो जन्मा है कीचड़ में पानी में, लेकिन उसको कीचड़ नहीं लगा, उसको पानी नहीं लगा, ऐसे जो लक्षण बताया। तो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सारा वैभव उसका है, इज द मोस्ट ऑपुलेंट, ऑल ऑपुलेंस बिलोंग्स टू हिम, अपनी फैक्ट्री, अपने बैंक बैलेंस, अपने शेयर्स, ये वो, ये बाल, ये सब डज नॉट बिलोंग टू मी, या ज्ञान है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, ऑल ग्लोरीज टू द लॉर्ड, ही इज द ओनर, ही इज द सुप्रीम ओनर, ही इज द ओनली ओनर, वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स, वी आर पार्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ इट। सो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य यश सक्सेस, अंत में उसी का, उसका यशवंत नाम है, यशवान है, सारा यश उसी का यश है। दसवें अध्याय के अंतिम में कहते हैं विभूति योग में, यद यद विभूति मत श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत् तत् देवावगच्छम मम तेजोंश संभवा। तेरे को जहाँ भी चमक धमक दिख रही है, कोई यशस्वी होते दिख रहे, मेरे अंश से, जस्ट बस्ट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मी, अथवा बहु न उगते न कि, क्या बताओ। अंत में भगवान खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, कि मेरे से नहीं कहा जाएगा, क्या क्या है, कहाँ कहाँ के, ये संक्षेप में कह दिया, विष्टभ्याहम इदम कृष्णम इदम कृत्स्नम एकांशे न स्थितो जगत। ये एक फ्रैक्शन से सारी दुनिया, खाली पृथ्वी नहीं, त्रिलोकी ब्रह्मांड इज स्टैंडिंग बाय वन फ्रैक्शन ऑफ माय प्रोवेस। तो ऐसा उसका यश है, ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यश श्री, सौंदर्य ब्यूटी अच्छाई जो है, जो लक्ष्मी माता का नाम है, और समुदाय दम है भैया, उसमें दमदार है, सामर्थ्य, ऐसा ही, ऐसा नहीं है खाली कह दिया, ये करने वाला भगवान है, राम हो कृष्ण हो, ये करके दिखाने वाला भगवान है, धमक रखने वाला भगवान है, सामर्थ्य है इसमें, जो बोले तैसा चाले तेची वंदा भी पावले, मराठी मतलब है ना, ये जिसने सब करके दिखाया, जो खाली बातें बाद में करी, राम जी ने तो बातें ही नहीं करी, इसने भी तो अंत में तो अर्जुन के लिए पूछा इसलिए, लेकिन सब करके दिखाया, ऐसे जो गुण है, ऐसा गुणी है, तो ये गुणवान भगवान है अपना, निर्गुण तो है ही नहीं, ठीक है बिल्कुल।